हेलो, वेलकम इन की स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और इससे पहले मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहां पर जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स। ठीक है, तो ए बी सी ये एक ट्रायंगल गिवन है हमें, इसमें दो ऑल्टीट्यूड हमें गिवन है जो कि बराबर हैं। पहला है बी और दूसरा है सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि भाई किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स है आप उसकी सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर खींच दो, मतलब जो बीई है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इतना हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई ट्रायंगल एबीसी को तुम दिखाओ कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है और जो रूल यूज करना है तुम्हें वो है आरएचएस, इसके अलावा कोई और रूल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइसोसेल का मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल की कोई सी दो साइड कम से कम हमें बराबर शो करनी होंगी। ठीक है, तो अब सोल्यूशन शुरू करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन क्या है, तो गिवन में क्या था भाई कि जो बीई है वो सी एफ के बराबर है, तो मैंने लिख दिया। दूसरी बात हमें क्या गिवन है कि एल्टीट्यूड है, इक्वल तो है लेकिन एल्टीट्यूड भी है। एल्टीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गिवन में जो बीई है वो परपेंडिकुलर है एसी पे। ठीक है, बीई एसी पे हो गया और सी एफ जो है वो ए बी पे हो गया। तो इतना हमें गिवन था। जो प्रूफ करना है वो मैंने टू प्रूफ में लिख दिया। अब बात करते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, अगर आरएचएस नहीं बोला होता तो हम हमारे पास दो तरीके थे। ठीक है, अब जैसे कि पहला अगर मैं आपको बताऊं ए बी ई ये वाला ट्रायंगल आप ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, लेकिन वहां पे आरएचएस नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि अगर आप ये दोनों ट्रायंगल लोगे तो ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बराबर हो जाएंगे, 90 90 है, और ये जो है ऑल्टीट्यूड इसके बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे और बाईसीपीसीटी ए बी बराबर ए सी भी मिल जाएगा। जैसे ये बराबर इसके मिलेगा आइसोसेल भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रूल लगेगा ये एंगल एंगल साइड लगेगा, आरएचएस नहीं लगेगा, इसीलिए हम ऊपर वाला नहीं ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई आरएचएस क्या होता है। यहाँ पे आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल एस फॉर हाइपोटेनस एस फॉर साइड। ठीक है, मतलब कि एक राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में जिसको भी हम कॉन्ग्रुएंस करना चाहते हैं आरएचएस से, उसके अलावा उन दोनों का जो हाइपोटेनस है वो बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है प्राइमरी की, भाई जो हाइपोटेनस है वो बराबर होना चाहिए। उसके अलावा कोई सी भी एक साइड आप बराबर कर दो दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेनस के अलावा, ठीक है, तो वो आरएचएस रूल लग जाता है। तो यहाँ पे हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे बी ई सी, ठीक है, और सी एफ बी। ठीक है, इससे क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल बी ई सी एंड इन ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, सी एफ बी। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में। तो देखिए यहां पर जो एंगल ई है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है और यहां पर एंगल एफ 90 डिग्री है, तो बी ई सी में, बी ई सी में एंगल ई इज इक्वल टू सी एफ बी के एंगल एफ के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो हमें गिवन ही था। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या कहा था, दोनों ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है यानी कि दोनों ही ट्रायंगल में जो 90 के सामने वाली साइड है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने बी ई सी लेफ्ट में लिखा है तो भाई बी ई सी ये जो ट्रायंगल है इसमें 90 वाला एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड क्या है, बी सी बराबर। ठीक है, और इसी तरह से जो एंगल सी एफ बी मैंने राइट साइड में लिखा है सी एफ बी, इसमें 90 के सामने वाला कौन है, आपको ये ट्रायंगल देखना है भाई। ठीक है, तो 90 के सामने फिर से बी सी ही मिल रहा है, तो भाई ये चीज क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में जो हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कॉमन है। अब देखिए जो हमें रूल लगाना था वो आरएचएस था, और आरएचएस के लिए मैंने सबसे पहली बात बताई थी कि भाई दोनों में 90 होना चाहिए, 90 हमें मिल गया है, और दोनों में 90 के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, वो मिल गया है। और तीसरी बात मैंने क्या बताया कि कोई सी एक और साइड चाहिए हमें, तो वो साइड क्या होगी, देखिए बी ई सी जो है, बी ई सी में बी ई आ रहा है। ठीक है, तो जो बी ई है वो बराबर है सी एफ बी के सी एफ के। ठीक है ना, मतलब जो सी एफ बी वाला ट्रायंगल है इसमें सी एफ जो है वो इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए। क्यों बराबर हुए भाई, क्योंकि ये गिवन है कि इक्वल ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो बी सी एफ जैसे कि यहाँ पर गिवन ही था, तो आप देखिए यहाँ पे अब हम कह सकते हैं बाई आर एच एस। ठीक है, बाई आर एच एस ट्रायंगल जो हुआ यानी कि बी ई सी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के।
अब इससे हमारा फायदा क्या होगा, क्योंकि भाई इससे हमें डायरेक्ट ए बी बराबर ए सी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक चीज हमें मिल रही है। अब देखिए जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई बी ई सी का, ठीक है, जो ये वाला एंगल है, ठीक है, यानी इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ई सी बी, ठीक है। तो एंगल ई सी बी बराबर जो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है सी एफ बी का ये वाला एंगल, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल का नाम मैं लिख सकता हूँ एफ बी सी, ठीक है। तो एफ बी सी के बराबर हो गया, क्यों बराबर हुआ, बाई सी पी सी टी, ठीक है। आप जानते होंगे बाई सी पी सी टी का मतलब कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो बराबर होते हैं। कैसे पता करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं, सिंपल सा तरीका है। देखिए जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं उनमें से आपने एक का नाम तो अपनी मर्जी से लिख लिया, चाहे जैसे लिख लो, जैसे कि मैंने इसका नाम लिखा ई सी बी। तो मैं यहाँ पे देखूंगा मैंने ई सी बी में कैसे यूज किया इसको, पहले बीच वाला अक्षर, फिर किनारे वाला अक्षर, फिर पहले वाला अक्षर ई सी बी। तो मैं यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बीच वाला लिखा था, बीच में क्या एफ है, तो मैंने पहले एफ लिखा, फिर मैंने बी लिखा, फिर शुरू वाला सी लिखा। तो मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग ही आएगा अगर आप यहाँ फिगर में देखोगे तब भी। तो ये बात बराबर हो गई। अब जैसे ही ये दो एंगल बराबर हुए, आप जानते हो किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो उनके सामने वाली साइड बराबर होती है। अब आपको ये छोटे वाले ट्रायंगल नहीं देखने, इनको भूल जाओ आप, ठीक है, आप बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये एंगल इसके बराबर है, तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी, ठीक है भाई। तो इसके सामने क्या है, ए बी, वाला एंगल ये लिखा मैंने, तो इसके सामने मैं लिख दूंगा इसके सामने वाली साइड यानी कि ए बी बराबर एफ बी सी, एफ बी सी यानी कि ये वाला एंगल, इसके सामने कौन सी साइड है बड़े वाले ट्रायंगल में, ए सी, तो इसके सामने मैं लिख दूंगा ए सी। और रीजन क्या लिखूंगा मैं, रीजन लिखूंगा कि भाई जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड होती है किसी ट्रायंगल में वो आपस में बराबर होती है। तो यहां मैंने लिख दिया अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ, दो साइडें बराबर हो गई, इससे मैं क्या पता लगता है, इससे मैं पता लगता है कि भाई जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आइसोसेल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाकी पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।